आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा रिग्रेशन का जो बेसिक है वो क्या है। अभी हम इसके थोड़े फार्मूलाज देखते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए इसमें जो इसके फार्मूले ना ये दो वेरिएबल के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा वेरिएबल? जैसा कि आप सब जानते ही हो, एक्स एंड वाई वेरिएबल। हम दो ही वेरिएबल लेके इस बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स ऑन वाई। कहने का मतलब क्या है? एक्स का इफेक्ट वाई वाई के ऊपर क्या पड़ा, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला देखना क्या है। एक्स है ना, पहले हम एक्स का डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेगा? जब जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी उसमें से जो एक्स का मीन आ रहा है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया तो फिर ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, एक्स ऊपर और ये सिग्मा वाई नीचे। जो वाई नीचे लगा हुआ है उसका ही एक और फिर डेविएशन करना है। जैसे इधर एक्स का डेविएशन किया था, इधर वाई का करना है। अगर एक्स ऑन वाई लिखा हुआ है, ये देखिए एक्स आगे है तो इसका मतलब एक्स का जो डेविएशन है वो भी आगे होगा। वाई पीछे है तो इसका मतलब वाई का डेविएशन भी पीछे होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। जो जो बीच वाला है, जहाँ लास्ट पे जो लिखा हुआ है वो ही नीचे है, जो जहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है वही जहाँ पे नीचे है। आप ऐसे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक इसको बना के देख सकते हो कि कैसे याद करना है, ठीक है। अगर हम इसका बात करें जो जे वाला है पोर्शन, ठीक है, इसको देखेंगे ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये रिग्रेशन कोफिशियंट इसको हम बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोफिशियंट किसको बोलते हैं? एक्स ऑन वाई लिखा हुआ है ना, एक्स ऑन वाई जो ये रिग्रेशन कोफिशियंट है, इसका वैल्यू क्या होता है वो देखिएगा। ये होता है उसका, इसका वैल्यू जो होता है समीशन एक्स वाई अपॉन वाई का स्केयर। एक्स वाई अपॉन वाई का स्केयर ये कैसे बना? देखिए जैसा कि आप सब, जहाँ पे भी सिग्मा आएगा, क्योंकि ये समीशन होता है ना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसका ज़्यादा क्लियर होएगा। जैसा हम देखते हैं डेविएशन करते हैं, ठीक है, जब हम मीन निकालते हैं तो डेविएशन करते हैं, वही डेविएशन वाला एक्स वाई लिखा हुआ है इधर, और ये वाई है, वाई का स्केयर किया हुआ है इधर, ठीक है। डेविएशन क्या होता है अभी देखना, जब ये लिखेंगे आपको पता चलेगा। एक्स का डेविएशन क्या होता है? एक्स माइनस जो एक्स का मीन रहता है, ठीक है। वाई का डेविएशन क्या होता है? जो वाई का मीन हम जब निकाल देते हैं वाई से वो रहता है। अपॉन ये वाला वाई है, इसी का स्केयर किया हुआ है ना, ये देखिए इसी का ही हमने स्केयर कर दिया। इसको अब अगर हम खोल के देखेंगे तो ये है। आप जब टेबल बनाते हो तो आपके ये वाला आप आराम से निकाल लेते हो सभी, ठीक है ना। ये इसका फॉर्म है। और इसको ही और एक तरीके से लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं? जैसे कि समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स वाई, ठीक है, अपॉन एन। इसको डिवाइड कर देंगे समीशन वाई माइनस, इसका स्केयर होता है इधर, और समीशन वाई का स्केयर अपॉन एन, ठीक है। दोस्तों हम हर बार इसी का इस्तेमाल करेंगे जो जे वाला है, ठीक है ना। इसी का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास जो मीन आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इस फार्मूले का। नहीं तो हम हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो सिंपल होता है, आराम से निकल जाता है, ठीक है। अगर हम छोटी फार्मूला से हमारा बात बन रहा है तो हम बड़े फार्मूला के ऊपर क्यों जाएं, ठीक है ना। इस आंसर दोनों से सेम आना है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है ना। वैसे दोनों सेम रहता है। आपकी बुक में ऐसा हो सकता है कि इस फार्मूले को थोड़ा और सिंपल करके लिखा हो। और सिंपल करने का मतलब क्या है? जहाँ पे दोनों में एन कॉमन ले लिए, जहाँ पे भी एन कॉमन ले लिए, ठीक है। एन कॉमन लेने के बाद हम इसको एन कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हमारा एक और फार्मूला बन के जाता है, ठीक है ना। आपकी बुक में वो भी दिया रहेगा। आपको एक बार बता ही देता हूँ कि इसका थोड़ा और सिंपलीफाई कैसे होता है। देखिए दोस्तों इधर थोड़ा गलती हो गया, जो समीशन एक्स और समीशन वाई दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग है तो आपको पता चल जाएगा अभी कैसे होता है। देखिए
इसका क्या होता है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आई होप आता होगा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसके नीचे क्या है, वन, वन को इसके मल्टीप्लाई करना, जो नीचे वाले टर्म होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इनको ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई, ठीक है, ये वाला डिवाइड बाय, हम इन जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एन। और ये फिर नीचे के इसका जो बड़े वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, डिवाइड का निशान है, फिर हम इसको देखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसके साथ फिर बनना है इसके डिवाइड में, ठीक है ना, उसको इसके साथ कर देना। तो हमारे पास क्या गया, एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई इसका होल स्केयर अपॉन एन, जी एन से एन कटा गया, हमारे पास क्या बन के आ गया, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स वाई, सॉरी समीशन, फिर यहाँ पे समीशन वाई डिवाइड बाय एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई इसका स्केयर, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना कि ये जो समीशन का, जो समीशन वाई का स्केयर बाहर की तरफ है, यहाँ पे वाई का स्केयर है, ठीक है। एक जे फार्मूला आ गया, जे वाला फार्मूला दोनों सेम ही है, ठीक है। आपकी बुक में जे भी दिया रहेगा, जे भी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आप उसको देख लेना, ये दोनों सेम है, देखने में भी सेम ही है और वैसे भी सेम है। क्या किया, सिर्फ एन को बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है, एन से एन काटा गया है नीचे, और कुछ नहीं किया गया। अभी जैसे देखा हमने एक्स ओन वाई, एक्स ओन वाई क्या देखा था, जैसे एक बार फिर आपको बता देते हैं, एक्स आगे है तो एक्स का डेविएशन आगे है, वाई है, वाई का डेविएशन पीछे है, ठीक है। जो पीछे रकम है वही नीचे लिखी हुई है और ऊपर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम ऐसे ही देखेंगे वाई ओन, जब हम लिखेंगे वाई ओन एक्स क्या क्या है, वाई ओन एक्स, ठीक है, वाई ओन एक्स आगे वाई है तो इसका मतलब क्या है, वाई का डेविएशन आगे लिख दिया, और आर ऐसे ही। अभी ये देखिए, जहाँ पे तो वाई लिख दिया, आर इधर ऐसे ही है, और जहाँ पे समीशन लग गया, जहाँ पे भी समीशन लग गया, आगे वाई था, आगे वाई है, एक्स पीछे है तो एक्स का डेविएशन क्या लगेगा, पीछे लगेगा, जो एक्स इधर है वही एक्स इधर लग जाएगा और वाई क्या है, ऊपर आ जाएगा अभी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और जब हम इसका जो वैल्यू लेंगे रिग्रेशन कोफिशियंट का, तो हम क्या लेंगे इसका, इसका लेंगे समीशन, देखिए एक्स वाई तो जो ऊपर ऊपर था, ऊपर वाली मेरी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो चेंज होएगी इसके अंदर। वो कैसे होएगी देखना, समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय, उसमें क्या था, वाई का स्केयर था और इधर एक्स का स्केयर लग जाना, बस इतने फर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा। और हम इस जब जे वाला लिखेंगे तो जहाँ पर भी ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे ही जो है जहाँ पे एक्स आ जाएगा दोनों की तरफ, ठीक है, एक्स बाहर आ जाएगा और जहाँ पे सिंपल एक्स आ जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसका भी समीशन ही है जो दोनों का, ठीक है ना, जो लास्ट पे आएगा। जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये वाला तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत हमको क्या आएगी, जो ये नीचे लिखा हुआ है समीशन वाई और जहाँ पे समीशन वाई, ठीक है, यहाँ दोनों पे एक्स लगेगा और कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, समीशन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समीशन एक्स का स्केयर माइनस समीशन एक्स अपॉन एन इसका स्केयर, सॉरी दोस्तों इतने का स्केयर है जो एन का स्केयर नहीं है, ठीक है ना, जो ऊपर वाली जो समीशन है इसका ही स्केयर है। आई होप दोस्तों आपको रिग्रेशन में कौन कौन से फार्मूले आते हैं उनका थोड़ा बहुत पता लग गया होगा। तो रिग्रेशन की और कोरिलेशन के बीच में जो डिफरेंस है, रिग्रेशन क्या होता है, आपको पता लग गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मैनेजमेंट कोचिंग को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।